हमारे डीटी न्यूज इंडिया के स्पेशल रिपोर्ट उस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विलास साढ़े। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एक तरफ से राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है, यानी कि कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि सरकार ने आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेक दिए, और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि ये जिस प्रकार का आरक्षण राज्य सरकार ने दिया है ये सीधा सीधा ओबीसी के हक और अधिकारों पर अन्याय है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए ओबीसी के नेता एवं मराठवाड़ा मोर्चा के प्रमुख डॉक्टर बीडी चव्हाण इस वक्त हमारे साथ है। उम्मीद है कि सारे सवालों के बखूबी जवाब देंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज क्या परिस्थिति, आरक्षण मिला है लेकिन ओबीसी में काफ़ी नाराजगी है। आरक्षण मिला जो बोल रहे हैं वो मराठा समाज को आरक्षण भी नहीं दिए उन्होंने, और मराठा समाज को भी उन्होंने दिशाभूल कर दिया है। जो 57 लाख इतना कुन भी उनको मिला है, सर्टिफिकेट मिले हैं, इसके पहले 50 लाख कुन भी के सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिले हुए हैं। कुछ बोगस किए वाला है, और कुछ 38,000 दो शिंदे कमेटी को मिला था, उतने ही ओरिजिनल है, बाकी इन्होंने सब दिशा भूल की है। सरसगट मराठा समाज को ओबीसी का आरक्षण मिला नहीं है, और ओबीसी में मराठा समाज को जो लाने के प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इसके वजह से मराठा समाज का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो गया है, क्योंकि उनको अभी हाईकोर्ट की जो लड़ाई चल रही है 40% आरक्षण की, वो केस विड्रॉ करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण ये लोग ले रहे हैं 10%, वो उसमें से भी उनको हटाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस रद्द करना पड़ेगा। और ओबीसी भी आ भी गए तो ओबीसी भी आने के बाद में इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2% का फायदा होने वाला है, 2%। और ओबीसी के बच्चे जो ये लोग समझ रहे, आज 96% ओबीसी के बच्चे भी ले रहे, 96% मराठा समाज के भी बच्चे ले रहे। कल हमारे बच्चे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा करेंगे, 2% ज़्यादा ले लेके इनसे ज़्यादा हम हो जाएंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंदर में शैक्षणिक तुमको कुछ मिलने नहीं वाला है। तुम ऐसा सोच रहे हैं कि ओबीसी का जो राजकीय आरक्षण हम ले लेंगे, जो कि पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर सेवक है, जब तुम ओबीसी बोल के सर्टिफिकेट लेके आएंगे तब हमारे ओरिजिनल ओबीसी बोलेंगे अपना ओबीसी है ही नहीं, हम तो हमारे ओबीसी को मतदान करेंगे, तुमको नहीं करेंगे हम मतदान। और आने वाले 2024 के लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, इसके अंदर ये तो बात तय हो गई है कि मराठा समाज ओबीसी में आने से ओबीसी का, ओबीसी के गरीब लोगों का, उसमें से माइक्रो ओबीसी है, विमुक्त भटका है, वडर, घिसड़ी, कैकाड़ी, साड़ी, माड़ी, तेली, तंबोली, बंजारा, वंजारा, यार ये जो समाज है, ये समाज के कंपटीशन में तुम आ गए तो इनकी जो रोटी है तुम छीन ली है, तुमने हमारे घर में अंगार लगा दिए, हमारे घर को तुमने उद्ध्वस्त कर दिए। हमारे बच्चों ने क्या करना, जैसे तुम बोलते हमारे बच्चे क्या करना, हमारे बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण कोई गरीबी के भरोसे मिलता नहीं है। आरक्षण जिस समाज को आज तक तुमने नीचा दिखाया है, उसके जात के ऊपर तुमने गाली दी है, उसके व्यवहार के ऊपर गाली दिया है, उसको बलूदार बोल के तुम उसको वहां पे गांव में तुम रबाया है, आज भी लोग, जैसे हमारा वारिक समाज है उसका मुंह देखना नहीं चाहिए, धोबी समाज का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये जो प्रथा चले आ रही है इसकी वजह से आरक्षण हमको मिला है। आज भी हमारा 90% जो समाज है, आज बंजारा समाज तुमको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, 4 लोग पढ़ के बड़े हो गए, इसका मतलब समाज बड़ा नहीं हुआ है। आज भी तंडा हमारा 80% खाली हो गया है, पूरे लोग गन्ना तोड़ने को गए वाले है, कुछ लोग आंध्रा में गए वाले है, आज भी हमारे तंडों में कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। इतना अन्याय होने के बाद में आप लोगों ने ओबीसी के ऊपर और एक अन्याय कर दिया, और ओबीसी ये बात सहन नहीं करने वाला, ओबीसी रास्ते पे उतरेगा, ओबीसी कोर्ट में जाएगा, जो जो करना पड़ेगा ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए हम लोग करने के, उतना हमारे में ताकत है, हम उतने सक्षम है।
एक तरफ मराठा समाज जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज में सन्नाटा है, तो आगे की क्या रणनीति तय करनी ओबीसी नेता? ओबीसी समाज में सन्नाटा कुछ भी नहीं है, हमको मालूम था इस देश के अंदर में दो बार गुलामी की जो बेड़िया है दो बार टूटे गई है। पहली बार बाबा साहब अंबेडकर ने हमको आरक्षण देके हमारी गुलामगिरी की जो मानसिकता थी उसे लगाया, ना मेरे समाज को लगाया, ना मेरे ओबीसी या विमुक्त भटका को लगा। हम उनका जिंदाबाद करने में हमारी जिंदगी डाल दी है। आज चल के हमको समझा है कि साला हम आप सब लोगों को वोटिंग करके मतदान देकर हम आपको आमदार बनाए, खासदार बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, और तुम्ही लोगों ने इस ओबीसी का घात किया। जो रोज बोल रहे थे, कल शाम तक बोल रहे थे कि हम ओबीसी का अन्याय नहीं करेंगे, ओबीसी का एक टक्का भी हम आरक्षण उसमें नहीं डालेंगे, ओबीसी में हम मराठा समाज को आरक्षण नहीं देंगे, बोलने का एक तरफ और करने का दूसरी तरफ। जे ये महाराष्ट्र के अंदर में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी पार्टियां हैं, वो कोई पार्टी का कोई नेता रहो, अभी हमने ठहरा लिया हमारा नेता अभी ओबीसी का होगा, हमारी पार्टी ओबीसी की होगी, हमारा नेता दलित का होगा, हमारा नेता आदिवासी होगा, हमारा नेता एसटी का होगा। हम इसके अलावा किसी को नेता नहीं मानने वाले हैं। हम शिवसेना में काम करते, हम भी हमारे पार्टी का राजीनामा फेंक देने वाले, क्योंकि हमको आप गुलामगिरी तुम्हारी नहीं होना, हमको हमारा सत्ता में जाना है। हम भुजबल साहब को कल बात करेंगे, कल उनको विनंती भी करेंगे कि वहां का तुम्हारा जो राजीनामा है फेंक दो, उनके ऊपर में राजीनामा फेंक के भुजबल साहब को हम आने वाले ये 2024 के लिए हर गांव गांव में ले जाने, हर तालुका तालुका में ले जाएंगे। अरे महाराष्ट्र में ओबीसी की ताकत क्या है उस दिन उनको समझेगा। आज कोई अध्यादेश निकला नहीं है, एक आदमी ने जीआर निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है अभी ठहराव पास हुआ नहीं है। ठहराव पास होने के लिए विधान परिषद में जाना पड़ता, वहां विधान भवन में जाना पड़ता, वहां ठहराव लेना पड़ता, फिर ऊपर भेजना पड़ता रहा, तब तक तो हमारा सरकार आ रहा है वहां पे। हम जो ओबीसी लोग, हमारे दलित बांधव, हमारे एससी एसटी के लोग वहां पे वो कुर्सी पे बैठेंगे। तुम जिस कुर्सी पे बैठ के आज जीआर लिख रहे, हम भी रात में 2 बजे जीआर निकाल सकते हैं। ये ताकत लेकिन ये महाराष्ट्र के ओबीसी निर्माण करेंगे, और मुझे खातरी है, मुझे आशा है, जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तुम्हारा असली रूप हमको आज दिख गया है, तुम जो जो करने वाले थे वो आज तुमने करके दिखाया है। ये 27 जो तारीख है हमारी हमारे जिंदगी की, ये हमारे लिए काला दिन है, और हम हर 27 जनवरी को हम हमारे हाथ को काली पट्टी बांध के हमारा काम काज हम करेंगे, और हमारे आने वाले पीढ़ी ने पीढ़ी को हम ये बोलेंगे, ये दिन तुम्हारे लिए अन्यायकारक दिन था, तुम्हारा गुलामगिरी बनाने का ये दिन था, तुम्हारे पर अन्याय अत्याचार होने वाला ये दिन था, ये दिन हम जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, और इसका बदला आने वाले लोकसभा विधानसभा हम लेने से हम छोड़ने नहीं वाले, इतना आश्वासन मैं आपको देता हूँ। सर आखिरी सवाल ये था कि मराठा समाज को आरक्षण देकर ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ ऐसा आप मानते हैं क्या? इसमें राज्य सरकार ने तो ये काफी बड़ी पहल की है। इसका दोषी तो राज्य सरकार ही है, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण में मराठा समाज को आरक्षण देना ये कितना उचित है ये तो मराठा समाज के लोगों को भी मालूम है। आज बहुत सारे मराठा समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसको समझता है, जो लीडर है, उनको भी लग रहा है ये गलत हो रहा है, उनको भी लग रहा है हम वडर खिचड़ी कैकाड़ी। अरे जो रोज लोग सुबह उठ के जिसको काम करे बगैर उसके पेट में कुछ खाना नहीं जाता है, जिसको रहने को घर नहीं है, जिसको पहनने को कपड़ा नहीं है, जिसको मान नहीं, सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, ऐसे लोगों के साथ में उनकी रोटियां तुम चुराते होंगे, उनका थाली तुम ये खींचते होंगे, तो ये अन्याय नहीं है। मैं हम सारे ओबीसी, हम सारे मुक्त भटके, हम सारे बलुतेदार अभी एक होने वाले हैं, और तुमने जो किया है वो आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं किया, ना तो तुम राजकारण के लिए अच्छा नहीं, तुमको लगा कि मराठा समाज हमको सब मतदान कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तुमने कुछ बहुत सारा उनको सोना निकाल के दे दिया, उनको तुम करोड़पति अब्जोपति बना दिया, असली बात नहीं है। सत्ता तुम्हारी थी, तुम आमदार है, तुम खासदार है, तुम मंत्री थे, तुम मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं किया अभी तक? क्यों वो समाज की उन्नति नहीं किए? क्यों तुम ओबीसी के ऊपर में लाके हमारे घर में सबको घुसा रहे?
तो ये अन्याय के अगेंस्ट में हम ओबीसी के सब लोग कल 5 बजे हम छगन भुजबल साहब से विनती करेंगे और महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, रास्ते का आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, गांव बंदी करेंगे, तांडा बंदी करेंगे, वाड़ी बंदी करेंगे। हमारे पास भी लोग हैं, अरे हम तो आज एक आवाज कर दे तो हम महाराष्ट्र बंद कर सकते, क्योंकि हमारे 90% लोग जो है ना रस्ते पे आज भी है। हम तांडा बंदी, गांव बंदी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम गरीब समाज है। हमारा समाज पेट के लिए आज दिन भर काम करे मगर पेट नहीं भरता है, और पेट की जो आग रहती है वो आरक्षण की आग से बहुत बड़ी।